लोगों ने यह देखा था कि कैसे बालूदाब की पेटियां बनती हैं, और बालूदाब की जो पेटियां बनती हैं उन बालूदाब की पेटियों के निर्माण में कौन कौन से कारक थे, और उन कारकों के आधार पर हमने कुछ बायोदाब की पेटियां विकसित की थी, और उन बायोदाब की पेटियों से कुछ हवाएं चली थी, और उन हवाओं के चलने से ही क्या हो रहा था, पूरे वायुमंडल में और पूरे पृथ्वी में टेम्परेचर का ट्रांसफर होने के साथ साथ एक ऐसी कंडीशन थी जिसके आधार पर हम ये कह रहे थे कि कहां पर किस प्रकार का क्लाइमेट होगा, और जो क्लाइमेट की कंडीशन दिखाई दी वह लगभग कुछ इस रूप में थी, अर्थात यह हमारी पृथ्वी थी, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा था, एक 30 डिग्री अक्षांश रेखा था, एक 60 डिग्री अक्षांश रेखा था, तो 90 डिग्री ऐसे ही सेम कंडीशन कहां थी, साउथ में थी। तो आपको पता चला था यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है, ठीक इसी तरह इधर नॉर्थ में हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कंडीशन था, और यह जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कारण था, यह कारण यह था कि यहाँ पर क्या कारण था, टेम्परेचर का ज्यादा होना, तो यहाँ पर कारण था वायु का क्या होना, और अवरोहण होना, तो यहाँ पर क्या था, दो लो प्रेशर बनने का कारण पृथ्वी का घूर्णन बल, और यहाँ पर हाई प्रेशर बढ़ने का कारण था टेम्परेचर का बहुत ज्यादा कम होना, और सेम कंडीशन क्या थी, नॉर्थ में भी थी, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा था, वायु का क्या हो रहा था, अवरोहण हो रहा था, तो वहीं पर इस लो प्रेशर में क्या हो रहा था, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम हो जा रहा था, अर्थात यह जो कंडीशन थी क्या थी, हवाओं की कंडीशन थी, हवाएं कहां से किस तरह, अब जब आपने यह देख लिया तो यहां से जो हवा चल रही थी उसको आपने क्या नाम दिया था, व्यापारी को, इसका डायरेक्शन ऐसा क्यों होता है इसको आपने समझ, यह हाई प्रेशर है तो हवा हमेशा क्या चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, इस लो प्रेशर की ओर भी क्या जाएगी, हवा जाएगी, तो यहाँ हाई प्रेशर है फिर हवा यहाँ पे भी आएगी, बावजूद इसके लो प्रेशर कैसे है इस पे हमने पूरा इसको सही से समझा था, यहाँ से हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो हवाएं इस डायरेक्शन में भी यहाँ से चल रही, तो यहाँ से हवा इस डायरेक्शन, मैंने उस समय भी बोला था कि आपको क्या करना है, सिर्फ इस इमेज को 1 से 2 बार क्या करना है, अपने हाथ से चित्र बनाकर इसको समझ लेना है, ताकि क्या हो जाए, आपको यह पता चल जाए कि यह हवाएं कौन सी है, इनका डायरेक्शन ऐसा क्या है, इसके पीछे की जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा, इसको जो आपने नाम दिया था यह था व्यापारी पवन, सेम कंडीशन साउथ में व्यापारी पवन, उसके बाद जो पवन थी ये थी पछुआ पवन, सेम कंडीशन यहां थी पछुआ पवन, अर्थात पश्चिम की ओर चल, पश्चिम से चलने, और यह कौन सी थी ध्रुवीय पवन, और यह कौन सी थी ध्रुवीय पवन। अब हमको दरअसल इस चीज को हम दोबारा इसलिए समझ रहे हैं, हमको समझना है पूरे विश्व का क्लाइमेटिक जोन, अर्थात पूरे विश्व में कहां पर किस प्रकार की क्लाइमेट होगी उसको समझना है, उसको समझने के लिए स्वाभाविक है आपको यह जानकारी होना चाहिए कि कहां पर टेम्परेचर को लेकर क्या कंडीशन है, हवाओं को लेकर। अब ये तो आपने क्या देख लिया है, आपने समझ लिया है कि कैसे कैसे हवाएं चलती, इसके साथ साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन और आपको समझना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ना कहके उसको थोड़ा सा ही कहना है कि यह जो इक्वेटर है था 0 डिग्री है, इससे नॉर्थ जाइए या साउथ जाइए टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी, अर्थात टेम्परेचर में कमी आएगी, और टेम्परेचर में यह जो कमी है यह क्या करेगी, पूरे उत्तर और दक्षिण के पूरे क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रभावित करेगी। अब पूरा इसको इन्हीं आधारों पर हमको पूरे विश्व की क्या समझना है, क्लाइमेट, क्लाइमेट से समझने से पहले 2 शब्द है, जलवायु और मौसम, इनको समझते हैं,
और फिर ये देखते हैं कि कैसे इनका यूज करके हमको पूरे विश्व की क्लाइमेटिक कंडीशन को सिर्फ एक चित्र के माध्यम से समझना, अर्थात चीजों को पढ़ने से ज्यादा हमको क्या करना है, हमारी जो भी अभी ज्योग्राफी की नॉलेज है उसी को क्या करना है, अप्लाई करना। वह अप्लाई करना कैसे है उसी को अभी हम समझते। अभी तक आपको बस नीचे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे किस अक्षांश से कहां से कहां पे कैसी हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं की। दूसरा एक चीज और यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, वह यह है कि यह जो आपका पेटियां है ये कौन सी है, प्रेशर की, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो पेटियां हैं, दरअसल क्या है, फिक्स नहीं है। इनमें क्या होता है, प्रत्येक पेटी ध्रुवीय पेटी को अगर सिर्फ छोड़ दीजिए तो क्या होती है, 15 डिग्री क्या होता है, वह उत्तर और दक्षिण की ओर क्या होती है, विस्थापित होती है। उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापित होने का कारण यह है सूर्य की किरणों का तिरछापन, और इसी सूर्य की किरणों के तिरछापन को क्या बोला था हम लोगों ने, उत्तरायण और दक्षिणायन का नाम दिया था। अर्थात जैसे ही सूर्य की किरणें उत्तरायण है तो दरअसल यह है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध से तात्पर्य है 0 डिग्री से नॉर्थ वाला पार्ट, उसमें क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे आप कहते हैं दक्षिणायन, अर्थात हम यह कहना चाहते हैं कि 0 डिग्री के साउथ में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब आपने यह समझ लिया है कि जो ये 15 डिग्री का शिफ्टिंग है, दरअसल ये इसलिए है कि सूर्य की किरणों का जैसे जैसे तिरछापन बढ़ता जाएगा वैसी क्या होगी, कंडीशन बदलती। अब इसी को आधार बनाकर कुछ चीजों को और समझ लीजिए, फिर हम पूरे विश्व के क्लाइमेट को हम समझते। और मेरा विश्वास है अगर आपने अभी तक जो चीजें मैंने समझाया उसको समझ लिए हैं तो आपको बिल्कुल भी दोबारा और कभी भी विश्व की क्लाइमेटिक जोन को समझना नहीं पड़ेगा, वो बहुत क्या हो चुका है, आसान हो चुका। उसके साथ साथ थोड़ा सा एक चीज और देखिए, वह है दो शब्द, एक शब्द है मौसम, दूसरा है जलवायु। आपने ये चीज ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आप किसी अपने मित्र सगे संबंधी को फोन करते हैं तो उनसे कहते हैं वहां का मौसम कैसा, वेदर कैसा, आप क्लाइमेट नहीं पूछते। अर्थात जो मौसम होता है वह क्या है, लघुकालिक समय में तापमान की कंडीशन, रेन की कंडीशन, ह्यूमिडिटी की कंडीशन को बता रहा होता है। अर्थात जो मौसम है वह मौसम में क्या उतार चढ़ाव है, दिन प्रतिदिन मासिक रूप में 6 महीने की कंडीशन जो है वह किसके रूप से डिनोट की जाती है, मौसम। और जब मौसम का जो औसत ही लंबे समय पर निकाला जाता है तो इससे जो औसत के रूप में जो डेटा आता है हमारे पास, अर्थात जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि लगभग ऐसी कंडीशन होती है, यही औसत क्या है, जलवायु। अर्थात जो मौसम जो शब्द है वह दैनिक और मासिक गतिविधियों को बता रहा होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन की कंडीशन क्या है, कहां पर मौसम कैसा। जबकि जलवायु क्या है, मौसम का दीर्घकालिक स्वरूप है। लगभग यह माना जाता है कि 30 वर्षों के औसत के आधार पर किसी स्थान की क्या किया जाता है, जलवायु को बताया जाता है कि वहां की जलवायु कैसी। अर्थात जब जलवायु शब्द यूज कर रहे हैं आप, दरअसल यह बताना चाहते हैं कि उसका लॉन्ग पैटर्न मौसम का क्या है। उस लॉन्ग पैटर्न से तात्पर्य यह है कि कब कैसी कंडीशन होती है उसको आप समझा। अब आप एक चीज और देखिए, आपने एक काम और कर लिया है, मैपिंग भी मैं बता चुका हूं आपको कैसे करनी है, आपने मैपिंग भी स्टार्ट कर दिया। जब आप मैपिंग कर रहे होंगे तो आपको क्या हुआ, महाद्वीप मिले होंगे, और ये जब महाद्वीप मिले होंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी एक डायरेक्शन से क्या करिएगा, मूव करिएगा और उसको देखते चलेगा। अब उसी मैपिंग का आपको यूज करना है जो आपने अभी तक किया है, अगर नहीं किए हैं तो इस क्लास से पहले क्या करिए, मैपिंग कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा।
अब ये जो आपने मैपिंग किया है तो इसका क्या है, इसमें आप कुछ रेखाएं खींच सकते हैं। रेखाएं खींचने से तात्पर्य यह है कि अगर कोई महाद्वीप है तो स्वाभाविक है उसका कुछ अक्षांशीय विस्तार होगा तो कुछ देशांतरीय विस्तार होगा। ये जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है यही क्या है, दरअसल इसकी जलवायु में विविधता को डिनोट करेगी। जैसे अगर मान लेते हैं यह 0 डिग्री है और यह 90 डिग्री है ऊपर वाला पार्ट, तो इस ओर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। टेम्परेचर में जो कमी आएगी, दरअसल ये कमी ही तो क्या बता रही है कि यहां पर क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज होगा। अर्थात अभी तक जो आपने जानकारी एकत्रित की है, अब उसी के आधार पर हमको क्या करना है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन देखने, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन। ये जो वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन है उनको हमारे पास दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि हम क्या करें कि उनको बिना देखे उनको समझे क्या करें, किसी क्लाइमेटिक जोन की विशेषता को रट ले, लेकिन फिर वह ज्योग्राफी पढ़ना ना रह जाएगा, फिर वह कुछ और हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन को अब कैसे मैपिंग के माध्यम से समझना, इसी को हम सीखते हैं। और इसको सीखना बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी कठिन नहीं है। बस उसमें करना यह है कि आपको एक चित्र बनाना, और वो जो चित्र बनाना है वो ऐसा बना, यह मैं महाद्वीप को ले रहा हूं और ये जो महाद्वीप है ये किसी भी आप महाद्वीप को ले लीजिएगा उस पर यह लागू हो जाएगा अगर महाद्वीप का विस्तार ज्यादा है तो। देखिए जितने महाद्वीप हैं अगर महाद्वीपों और महासागरों के विस्तार को देखेंगे तो अधिकांश महाद्वीप क्या देर दिखाई देंगे, उत्तरी गोलार्ध में, जबकि साउथ में क्या दिखाई देगा आपको, महासागरों का विस्तार ज्यादा दिखाई। लेकिन जो महाद्वीप फैले हुए हैं अगर उन महाद्वीपों की कंडीशन को देखें तो महाद्वीपों के पास क्या है, सागरों का विस्तार। प्रत्येक महाद्वीप के पास क्या है, सागर, किसी के पास है कम है किसी के पास ज्यादा, उसका कोई ना कोई किनारा सागर से जुड़ा हुआ, और सागर क्या करता है टेम्परेचर को लेकर उस पर एक प्रभाव डालता है, वर्षा के प्रभाव को प्रभावित करता है, वहां की वनस्पतियों को प्रभावित करता है। वह जो सागर और स्थल का डिस्ट्रीब्यूशन है वही क्या डिसाइड करता है, हवाओं के स्वरूप को, क्योंकि स्थल और सागर दोनों के प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर में क्या होता, अंतर होता है, और यही अंतर क्या करता है कि ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हवाएं जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं तो इसी से क्या होता है, वर्षा होती है, और जब वर्षा टेम्परेचर हो उसका कोई है ही है, वहां पर एक वर्षा होती है, इसी से क्या होता है, वनस्पतियों का विकास होता है। अर्थात जो वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन है मुख्य रूप से किस पे आधारित होते हैं, वहां के औसत तापमान, औसत बरसात और वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति, क्योंकि जहां की जो वनस्पतियां हैं वह फिक्स हैं कि उन वनस्पतियों के विकास के लिए वह कंडीशन होनी चाहिए तभी वो विकसित होती हैं, अदरवाइज विकसित नहीं होंगी। तो वह अगर विकसित हुई हैं तो स्वाभाविक है कि वहां के क्लाइमेट में क्या है समानता। जैसे मान लीजिए अभी इस चित्र को ही रहने दीजिए, मान लीजिए 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो यहाँ पर पूरे 0 डिग्री पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर वर्षा ज्यादा हो रही है तो पूरे 0 डिग्री पर क्या होगी, वर्षा होगी। अर्थात अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर कोई भी कंडीशन है तो क्या होगी, पूरे क्षेत्र पे होगी। इसी के आधार पर हमको क्या समझ करना है, हमको समझना है पेटियों को, अर्थात इन पेटियों को जो हमने देख लिया तो अब क्या समझना है, हमको समझना है विश्व के जलवायु के गठबंध, इसको इस रूप में डिवाइड कर लेना है। और यह है आपका विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र, और इसको 0 डिग्री, इसको 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री। सबिंदर सिंह जो आपके इंडिया के सबसे बड़े ज्योग्राफर के रूप में माने जाते हैं, इसका विस्तार 5 डिग्री मानते हैं।
बस बहुत सी किताबों में 10 डिग्री भी मिल जाएगा। तो ये अपने सुविधा के अनुसार जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आप क्या करिए इसको रख सकते हैं। इसके बाद आएंगे, ये मान लीजिए कोई महाद्वीप है और ये जो महाद्वीप है उसी महाद्वीप में कोई एक महाद्वीप लीजिए, उसी जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, अगर ये नॉर्थ अमेरिका है तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी इसी को हमको क्या करना समझना। अर्थात जो भी महाद्वीप है अगर उस महाद्वीप को आप देखेंगे तो उस सभी महाद्वीपों में लगभग ये विशेषताएं आपको देखेंगे। अर्थात अगर कोई महाद्वीप है उसका विस्तार है तो उसकी जलवायु कैसे होगी उसी के आधार पर हमको समझ। दरअसल हम चित्र इसलिए बना रहे हैं कि किसी भी महाद्वीप को उदाहरण रखकर हम समझ सकें। अगर हमसे प्रश्न किसी खास क्लाइमेटिक जोन से समझा जाए पूछा जाए तो आसानी से हम समझ के साथ निकल। यह विषुवत रेखीय क्षेत्र है और यह हो गया आपका 5 to 10 degree, यह हो गया 30 degree, यह हो गया 45 degree और यह हो गया 60 degree और फिर एक रेखा आपको और खींचनी होगी और यह हो जाएगा आपका 90 degree। यह जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है मानसूनी क्षेत्र अर्थात मानसूनी जलवायु क्षेत्र। अर्थात मानसूनी जलवायु क्षेत्र कहाँ है, विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र के नॉर्थ में और साउथ में 5 degree से लेकर 30 degree के मध्य में और महाद्वीपों के किसके पूर्वी किनारा, यह महाद्वीपों का क्या है पूर्वी किनारा है तो यह क्या है पश्चिमी किनारा। अच्छा अगर आपको कंफ्यूजन होता हो कि महाद्वीप और महासागर का तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होगा उससे सटा हुआ जो महासागर का भाग होगा वो महासागर का पश्चिमी किनारा होगा। अर्थात स्थल और जल का किनारे क्या होते हैं जस्ट अपोजिट। जैसे मैंने इसको लिख दिया यह वाला जो पार्ट है वह क्या है महाद्वीप का पूर्वी किनारा है, तो दरअसल मैं यहां कहना चाह रहा हूं यहां पे जो महासागर होगा कोई भी महासागर उसका किनारा कौन सा होगा पश्चिम। यह मानसूनी जलवायु क्षेत्र हो गया, यह होता है सवाना ऑब्लिक सूडान जलवायु क्षेत्र, यह होता है मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यह होता है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यह स्टेपी तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है, यह भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है, तो यह है सेंट लॉरेंसिया, यह दरअसल कनाडा में एक स्थान है उसके नाम पर लिया गया है। अभी हम एक एक क्लाइमेटिक जोन को लेंगे और उसकी कंडीशन कैसे इसकी क्या विशेषताएं कैसे विकसित हुई हैं इसको हम समझें। सेंट लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश और यह जो है आपका पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश है, तो यह वाला जो प्रदेश है आपका यह है साइबेरियन जलवायु प्रदेश और यह जो प्रदेश है यह बोला जाता है टुंड्रा जलवायु प्रदेश। अर्थात आपको क्या पता चला, आपको यह पता चला कि आपके पास कितने वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन पता चले 11। सबसे पहला है वह विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र है, इसके नॉर्थ में जब जाएंगे तो एक साथ 3 क्लाइमेटिक जोन आपको दिखाई देंगे। सब महाद्वीप के सबसे पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु क्षेत्र, उसके पश्चिम में आएंगे सवाना ऑब्लिक सूडान जलवायु क्षेत्र, तो उसके और पश्चिम अर्थात महाद्वीपों के बिल्कुल पश्चिम में आएंगे तो आपको मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र दिखाई देगा। वहीं पे 30 डिग्री से 45 डिग्री पर महाद्वीपों के पूर्वी भाग में देखेंगे तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश और उसके बाद अब आपका प्रश्न ये हो सकता है चीन तो नॉर्थ में साउथ में कैसे होगा। दरअसल यह एक नाम है, इन नामों को लेकर हमने एक विशेषता बनती है उसके अलग
चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की जितनी विशेषताएं होंगी, इनमें जिन क्षेत्रों को हम डिस्कस करेंगे सबकी विशेषताएं क्या होंगी कौन। जैसे मानसूनी जलवायु क्षेत्र को भारतीय जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है या कह सकते हैं। तो दरअसल यह है कि अगर हम भारतीय मानसूनी क्षेत्र से परिचित हैं तो यहाँ पर विश्व में जितने भी क्षेत्र इस कंडीशन में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, सबकी विशेषता लगभग क्या होंगी कॉमन होंगी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राकृतिक कंडीशन की, मानवीय कंडीशन उसमें क्या चेंज ला रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे। ऐसे ही जब चीन तुल्य जलवायु प्रदेश से पश्चिम में आएंगे तो आपको स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का एक नाम, सोवाना तुल्य, सुडान तुल्य और स्टेपी तुल्य क्या है, दरअसल घास के मैदान है। आपने इनको समझा, एक गर्म घास का मैदान है अर्थात उष्ण घास का मैदान, तो एक शीतोष्ण घास का मैदान है। इन घासों की विशेषता के आधार पर इनका नाम करें। इधर आएंगे जो मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र मिलेगा, और ये जो मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र ये पश्चिम में क्यों है इसको भी हम समझेंगे, और साथ ही साथ यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है उसको समझ। इसके जस्ट नॉर्थ और साउथ में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र मिलेगा। और भूमध्य सागर आपने मैप में देखा होगा कि कहां पर, अर्थात जो जलवायु यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आपको मिलेगा हमेशा वो कहां मिलेगा, 30 डिग्री से 45 डिग्री और महाद्वीपों के किस डायरेक्शन में, पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। और मरुस्थलीय क्षेत्र भी अधिकांश कहां मिलेंगे, पश्चिम में ही मिलेंगे। और फिर उसके बाद आएंगे आप पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश मिलेगा, और फिर सबसे ऊपर जाएंगे तो उसके बाद साइबेरियन, सेंट लॉरेंसियन और टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में। अर्थात यह जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है एक महाद्वीप पर भी लागू होता है, इसको आप साउथ में भी, जैसे हमने नॉर्थ के लिए समझ लिया है, इसको आप पढ़ देंगे चित्र को तो इस साउथ पर भी लागू हो जाएगा। अब हमको यह देखना है कि आखिर यह जो जलवायु प्रदेश बांटे गए इनका आधार क्या था। दरअसल एक चीज जो आप देख रहे होंगे, मैंने लकीरें खींच दी हैं, इन लकीरों के द्वारा ये जलवायु प्रदेश अलग नहीं होते, इनका दरअसल इनकी विशेषताओं में धीरे धीरे अंतर आते आते इतना अंतर आ जाता है कि यह जो क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से अलग विशेषता प्रदर्शित करने लगते हैं। और जो अलग विशेषता प्रदर्शित कर रहे हैं इसी से क्या हो रहा है, अलग अलग जलवायु क्षेत्र का निर्माण। जैसे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश जो है यह क्या है, यूरोप के जलवायु क्षेत्र को डिनोट करते। अगर आपने इसको समझ लिया है तो दरअसल आप यह कहना चाहते हैं कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश की कंडीशन पूरे विश्व में कहां कहां पे कैसे होगी आप इसको बता सकते हैं। अर्थात यह जो स्वरूप में अंतर आता है वह एक रेखा दृश्य से तो नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे जगहों पे सभी जगहों पे अंतर पर्याप्त होता है। और अंतर ये जो दिखाई देता है यह तापमान, वर्षा और वेजिटेशन अर्थात वनस्पतियों से निर्धारित होता है। अर्थात जैसे जैसे आप देखेंगे कि टेम्परेचर, वर्षा और वनस्पतियों का स्वरूप बदलता जा रहा है, तो दरअसल आप ये कहना चाहते हैं कि एक क्लाइमेटिक कंडीशन से हम दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में आ गए हैं, तभी क्या हुआ है ये विशेषताएं बदली हैं, अदरवाइज विशेषताएं ना बदली। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्लाइमेटिक जोन को लेते हैं, उनकी विशेषताओं को समझते हैं, उन विशेषताओं में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है इसको हम भी हम क्या करेंगे समझने का प्रयास।